रामपुर में नवी क्लास का छात्र लूट की घटनाओं को अंजाम देने में ऐसा सक्रिय हुआ कि लूट का विरोध करने पर हत्या करने पर आमादा हो गया और उसने लूट का विरोध कर रहे रिक्शा चालक की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके लूटी हुई रिक्शा और रिक्शा चालक का शव बरामद कर लिया है। पकड़े गए हत्यारों से दो तमंचे, एक छुरी और मरने वाले की शर्ट बरामद की गई है। कोतवाली सिविल लाइन में आगापुर निवासी नन्हे के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके बाद नन्हे का शव बरामद हुआ। लूट के इरादे से ई रिक्शा लूटने के लिए उसका किराए पे लिया था ई रिक्शा, और रास्ते में उसे पकड़ के मारपीट की गई उसके साथ, जिससे कि उसकी पसलियां की हड्डियां जो है टूट गई थी और इससे उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात इन्होंने उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के इरादे से पटवाई थाना क्षेत्र में फेंक दी थी, जिसे कि पुलिस ने बरामद किया था। इनके द्वारा शिनाख्त करने पर ई रिक्शा बरामद हुआ है, लूटा गया। दो तमंचे, एक चाकू और कुछ और सामान भी बरामद हुआ है। आगे इनको जेल भेजकर कार्यवाही की जा रही है।